अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर था हमारे पास वेव मोशन के ऊपर। वेव मोशंस क्या होती हैं, और इससे पहले जो मैंने लेक्चर आपसे शेयर किया था वो था डैम्प्ड ऑसिलेशंस के ऊपर। आज का लेक्चर है हमारे पास वेव मोशंस। स्टूडेंट्स, वेव मोशंस की हमारे पास डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि वेव जो है आपके पास इसके दो फंक्शंस हैं। एक तो ये है कि वेव जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी को कैरी करने का, लार्ज डिस्टेंस तक एनर्जी को कैरी कर सकती हैं। वेव्स के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो लार्ज डिस्टेंस तक एनर्जी कैरी करती हैं। वेव्स के थ्रू हमारे पास लार्ज डिस्टेंस तक एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट तक डिस्प्लेस होता है, और लार्ज डिस्टेंस तक हमारे पास एनर्जी जो है स्टूडेंट्स ये कैरी करती है। तो हम ये कह सकते हैं वेव्स एज अ सोर्स ऑफ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव जो है ये आपके पास कैरियर ऑफ एनर्जी का एक सोर्स है स्टूडेंट्स। और एक दूसरा फंक्शन ये है कि इंफॉर्मेशन को भी कैरी करती हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। जैसा कि अगर आप देखें सेटेलाइट्स के से जो आपके पास एक रेडिएशन आ रही होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स। आप देखें कि इसमें आप किसी को एक ऑडियो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं या पिक्चर भेजते हैं, वो किसी मेगाबाइट या किलोबाइट या गीगाबाइट साइज पे मुश्तमिल होती है डाटा पे। आप देखें कि वो जो रेडिएशंस है या वो जो वेव्स है वो इस पूरे इंफॉर्मेशंस को कैरी करके एक कंटेक्ट से दूसरे टारगेटेड कंटेक्ट तक लेके जाती है। फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी तक डिलीवर करती है, फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री तक डिलीवर करती है। तो हम ये कह सकते हैं वेव जो है नॉट ओनली अ कैरियर ऑफ एनर्जी बट इट आल्सो कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सिमिलरली सैटेलाइट के थ्रू जो आपको सिग्नल आ रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आते हैं आपके फोन में, तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने आपके सोशल मीडिया एप्स हैं उसमें आप जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस स्टूडेंट्स, वो आप इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको फिजिक्स इंफॉर्मेशन कहती हैं। बेशक वो आपकी किसी तरह की फाइल होती है तो किसी न किसी इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल होती है, उसका कोई ना कोई साइज होता है। तो उसको जो है वेव इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, उसको मोशंस के थ्रू, वेव मोशंस के थ्रू लार्ज डिस्टेंस तक कैरी करती है स्टूडेंट्स। और वेव जो है स्टूडेंट्स वैसे ही नहीं प्रोड्यूस होती, बल्कि वेव को प्रोड्यूस होने के लिए कुछ ओसिलेटिंग दरकार होती है, या फिर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, या फिर कोई वाइब्रेटिंग सोर्स स्टूडेंट्स दरकार होता है, ओसिलेटिंग या फिर वाइब्रेटिंग सोर्स। जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स उसके मेन पोजीशंस पे ओसिलेट नहीं करते, जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट यानी उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट नहीं करते, देखिए वाइब्रेटिंग सोर्स कैसे प्रोड्यूस होगी, आप उसके पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे स्टूडेंट। ओसिलेशंस कब प्रोड्यूस होगी, टू एंड फ्रो, जब आप अगेन उस सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे उसके मेन पोजिशन से। स्टूडेंट्स अपने मेन पोजीशन से जब आप किसी मीडियम के, किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे इन दैट केस उसमें वेव मोशन प्रोड्यूस होगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सॉलिड देखिए फिक्स पोजीशन पे होता है, पार्टिकल उसके फिक्स्ड होते हैं। अब जब सॉलिड फिक्स पोजीशन पे होता है, पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं, यही वजह है कि जब आप एक दम को बीट करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को बीट करते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स, उससे वाइब्रेटिंग वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, उसके पार्टिकल फिक्स पोजीशंस पे वाइब्रेट होते हैं और उससे आपको एक साउंड वेव्स मिलती हैं जो आपके ईयर ड्रम को क्लिक करती है और आपको साउंड एनर्जी एनर्जी की फॉर्म में जो है एक साउंड वेव्स फील होती हैं आपके कानों में। सिमिलरली इसी तरह आपके पास कुछ वेव्स को प्रोड्यूस होने के लिए ओसिलेटिंग चाहिए होती है, जिसमें से साउंड जो है वो ओसिलेट भी करता है और वाइब्रेट भी करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दो एक्टिविटीज, मैंने लास्ट टाइम भी इसका जिक्र किया था, उसे वेव मोशंस को प्रोड्यूस करके देखते हैं कि वेव मोशंस कैसे प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स मैं इस फिगर 10.6 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करूं, तो हमने लिया हुआ एक पेंसिल स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एक पेंसिल है और ये एक टब है और ये एक कॉर्क है जो कि वुडन पीस से कह लें आप या पेपर पीस से बना हुआ है, और इस टब को हमने पानी से फिल किया हुआ है और हमारे पास एक पेंसिल है। ठीक है, हम इस एक्टिविटी को करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, इनिशियली जब हमने कोई पेंसिल टब के अंदर डिप नहीं किया था, हमें कोई वेव टब के पानी के सरफेस पे कोई वेव अपीयर नहीं होते हुए दिखाई देती, लेकिन जैसे ही हम पेंसिल को पानी के ऊपर रखे हुए पानी की सरफेस के ऊपर इस पेंसिल्स को डिप करते हैं, टिप करते हैं अप एंड डाउन,
स्टूडेंट्स, हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स में व्यूज दिखाई दे रही होती हैं। चूंकि इसके ऊपर मैं जिक्र कर चुका हूँ कि व्यू जो है इट्स अ कैरियर ऑफ एनर्जी, तो ये जो कॉर्क हमने रखा है स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा इसको सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला कॉर्क स्टूडेंट्स, ये जो कॉर्क है ये आपके पास क्या करता है, ये अपने मेन पोजिशन के गिर उसीलेट करना स्टार्ट कर देता है। जाहिर है वेव्स बनती हैं टू एंड फ्रो मोशन में, तो जब वेव्स कंसेंट्रिक सर्कल्स में हम जैसे ही पानी को अप एंड डाउन जो है वो डिप करते हैं, पेंसिल को अप एंड डाउन डिप करते हैं, तो हमारे पास कुछ कंसेंट्रिक सर्कल में ऐसे वेव्स जो है वो दिखाई देती हैं स्टब के अंदर, जस्ट लाइक ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की वेव दिखाई देती है। तो इसमें जो आपके पास ये कॉर्क है स्टूडेंट्स, जैसे वेव्स का चूंकि एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है, मैं इसको थोड़ा सा इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। इसका एक अपर पार्ट होता है स्टूडेंट्स और एक इसका यू लोअर पार्ट होता है। तो जो वेव्स होती हैं आपके पास अप डाउन ऑसिलेट करती हैं, जस्ट लाइक दिस वाटर वेव्स। तो जब ये अप डाउन ऑसिलेट करती हैं पानी को डिप करने से, जो कार्क होगा वो भी मेन पोजिशन के अंदर अप डाउन ऑसिलेटिंग स्टार्ट कर देगा और स्टूडेंट्स ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, जहाँ ये पड़ा हुआ था ये एक कार्नर से दूसरे कार्नर की तरफ चला जाएगा, जिससे दो बातें साबित होती हैं। सबसे पहली बात साबित ये होती है कि वेव जो है तब ही प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स होता है। ठीक है, मैंने वाइब्रेटिंग एज ए वाइब्रेटिंग सोर्स क्या लिया, पेंसिल को लिया। पेंसिल ने क्या किया, पानी के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया। जब मैंने पानी के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस लाई स्टूडेंट्स, तो वेव प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स के बगैर पानी के मीडियम में, पानी के अंदर वेव्स का मोशंस का प्रोड्यूस होना इम्पॉसिबल है। इट रिक्वायर्स सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। ओके, फिर इस एक्टिविटी से सेकेंड हमें ये पता चला कि हमने जो एक कार्क रखा हुआ था स्टूडेंट्स, ये वाला कार्क जो है ये तब तक अपनी जगह पे डिस्प्लेस नहीं हुआ था इनिशियली, लेकिन जैसे ही मैंने पेंसिल को डिप किया अप एंड डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कार्क ने ऑसिलेटिंग शुरू कर दी अप एंड डाउन वेव मोशंस की डायरेक्शन में, मीन पोजीशन से डायरेक्शंस में। सेकेंडली फिर वेव जो है चूंकि उसमें एनर्जी होती है, तो वेव ने क्या किया, इसको कैरी कर दिया फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। यही आता है कि जब कोई आफत आती है, जैसे सैलाब आता है, बड़े लार्ज लेवल पे सैलाब आता है, तो फिर क्या होता है कि पूरे पूरे घर, पूरे पूरे व्हीकल्स, बड़े बड़े लेवल्स पे जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स होती है स्टूडेंट, सैलाब उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इवन कि एज ए ह्यूमन बींग्स भी हम अगर सैलाब का सामना करें या आते हुए पानी का, तेज पानी का सामना करें, तो स्टूडेंट्स पानी के वेव्स लहरों में इतनी एनर्जी होती है कि ह्यूमन बींग्स को भी वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर लेती है। तो एक जगह पे हमें तो ये पता चला कि पानी जो है वो आपके पास उसका जो एक तो सोर्स ऑफ कैरियर ऑफ एनर्जी होती है, दूसरा पानी को वेव को प्रोड्यूस करने के लिए कोई वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग सोर्स चाहिए होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट उसने ये कहा है कि द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूस वाटर वेव्स विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। यस, बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास जो ये रिपल्स प्रोड्यूस हो रही हैं सर्कल्स में, जहाँ ये पेंसिल है, ये शोर से मूव करती हैं अवे, यानी बनती चली जाती हैं, बनती चली जाती हैं, एंड देन जब इस कार्नर तक पहुँचती हैं, देन फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट आपसे ये कहना चाह रहा है कि वेव रीच अ स्मॉल पीस ऑफ कार्क फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस। ये क्या कार्क क्या कर लेता है, मूव्स अप एंड डाउन अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजिशन। फर्स्ट इनिशियल तो अप एंड डाउन मूव करता है, जब वेव जो है ट्रेवल करती है आउटवर्ड्स, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होती है कार की स्टूडेंट्स, वो जीरो होती है। कार्क रिपीट्स करता है अपनी वाइब्रेटिंग मोशंस को अबाउट इट्स मेन पोजीशंस। नेट डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो होती है, देखिए एक कार्क है, ठीक है, ये जो आपके पास कार्क है ये अगर परपेंडिकुलरली ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलरली ऑसिलेट हो रहा है, जितना आपके पास ये ऊपर जा रहा है, जितना आपके पास ऊपर क्रस्ट पे जा रहा है स्टूडेंट्स, उतना ही ये नीचे ट्रफ पे आ रहा है, यानी ये इसकी अप मैग्नीट्यूड है। ये वाला ये कार्क इतना ऊपर ऑसिलेट कर रहा है और इतना नीचे ऑसिलेट कर रहा है अपने ही ओरिजिनल पोजीशंस पे, ये इसकी ऑसिलेशन है स्टूडेंट्स। जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे ऐसे ऑसिलेट करेगा, मींस कि अगर ये प्लस 3 मीटर ऊपर क्रस्ट पे जा रहा है, तो माइनस 3 मीटर ट्रफ पे आ रहा है नीचे की तरफ। मैं एक्चुअली इसके अपर पार्ट को यहाँ पे मैं इसको क्रस्ट कह देता हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं कह देता हूँ ट्रफ,
तो जितना ये ऊपर जा रहा है उतना स्टूडेंट्स ये नीचे आ रहा है। तो अगर ये 3 मीटर डिस्प्लेस होता है, 3 मीटर यहाँ पे 3 मीटर अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है आपके पास, तो -3 मीटर जो है ये आपके पास नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, तो +3 मीटर -3 मीटर नेट डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो हो जाती है। तो ये जस्ट जो कॉर्क है ये रिपीटेडली वाइब्रेट करता रहता है अपने मेन पोजिशंस पे। बट अगर इस टब को, चूंकि ये क्लोज रीजन है, अगर मैं खुले पानी में इसकी मिसाल हो, तो हो सकता है कि ये पानी जो है, ये वेव्स जो है जो बन रही है, ये स्कार को जो है कई मीटर्स, कई लार्ज मीटर्स की डिस्टेंस तक इसको ये अपने साथ ले जाए, क्योंकि वे उसके अंदर एनर्जी होती है। तो एक्टिविटी 10.2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम एक रोप लेते हैं और हमने एक पॉइंट पी लिया हुआ है स्टूडेंट्स, और उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ये पॉइंट पी है आपके पास, और इसको सबसे पहले आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस को आप एक सपोर्ट के साथ इस रस्सी को बांध दें, किसी भी एक सपोर्ट के साथ, तो सपोर्ट आपकी दीवार हो सकती है या फिर कोई भी आप किसी भी चीज़ को ऐसे जो फिक्स्ड हो अपनी जगह पे, उसके साथ रस्सी बांध लें, और इसका जो दूसरा एंड है वो अपने हाथ में पकड़ लें। आपके अपने हाथ के पास किसी परमानेंट पेन से पॉइंट पी का निशान लगा लें स्टूडेंट्स। फिर पॉइंट पी का निशान लगाएंगे आप, तो जो आपको विजिबल हो, जरा डार्क पॉइंट पी का निशान लगाइएगा। आप देखेंगे कि जब इस रस्सी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी। इनिशियली आप मान लें कि आपने पॉइंट पी जो है यहाँ पे पॉइंट पी का निशान लगाया था, लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही आप इस रस्सी को एक जर्क देंगे, इसको आप तेजी से अप एंड डाउन वाइब्रेट करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट पी है प्लस से मूव होता हुआ ट्रफ पे आएगा, यहाँ नीचे आएगा, और स्टूडेंट इसी तरीके से नेक्स्ट टर्न में ये जो पॉइंट पी है मूव होता हुआ फिर क्रस्ट पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और आप देखेंगे कि जहाँ ये सपोर्ट फिक्स्ड है, यानी एक एंड तो मैंने इसका पकड़ा हुआ था, और मान लीजिए कि जो इसका दूसरा एंड है ये मैंने इस सपोर्ट के साथ फिक्स किया हुआ है, बिल्कुल यहाँ मैंने बांधा हुआ है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट पी ये ऐसे होते 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 जहाँ इसका लास्ट एंड है सपोर्ट के पास, ये पॉइंट पी एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर भी हमें सबसे पहले एक ऑसिलेटिंग वाइब्रेटिंग सोर्स दरकार था, जो कि हमारे अपने मैकेनिकल हैंड्स थे। हमने अपने मैकेनिकल एनर्जी यूटिलाइज करते हुए हाथों की मदद से इस स्ट्रिंग को अप एंड डाउन वाइब्रेट किया, हमारे हाथ ही इसके वाइब्रेटिंग ऑसिलेटिंग सोर्स बने। उसके बाद ये जहाँ से हम इसको डिस्टर्ब करें इसके पार्टिकल्स को, तो स्ट्रिंग के पार्टिकल ने हमारे हाथ के, यानी वो इसका मेन पोजिशन था, हमारे हाथ के अर्गे ऑसिलेशन स्टार्ट कर दी स्ट्रिंग ने, और इसके अंदर भी एक वेव्स प्रोड्यूस्ड हुई। सो पॉइंट पी जो है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करने का मकसद ये था कि आप देख सकें कि आपकी आंखों में वही पॉइंट पी आपकी आंखों के सामने कैसे जो है वो ऑसिलेट करेगा और कैसे मूव करेगा, क्रस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्रस्ट होता हुआ मेन पोजिशन के अर्गर ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। तो आप जैसे ही फ्लिप करते हैं रोप को अप एंड डाउन, उसको जर्क देते हैं, उसको हिलाते हैं आप रोप को, तो आप देखेंगे कि पॉइंट पी जो है वो आपके पास जहां इसका लोअर एंड होगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट पी जो है उसकी तरफ जाता हुआ ये मूव करेगा, और वेव मोशन जो है जब इसका जहां एंड पॉइंट होगा वहां वेव मोशन जो है वो एंड कर जाएगी स्टूडेंट्स, और पॉइंट पी भी मूव करेगा। इसको फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, आगे लेके जाते हैं एक्टिविटी 10.2 को। तो यहाँ पे उसने आपको ये बताने की कोशिश की, द पॉइंट पी एंड द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज द वेव पासेज अक्रॉस इट। यस, द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। यस, इट शुड बी परपेंडिकुलर। देखें पी के जी अगर आप मोशन को देखें तो वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा किस चीज के डायरेक्शन में, यानी आपके पास जब ये क्रस्ट पे आएगा नीचे की तरफ,
तो जो वेव की डायरेक्शन होगी ये उसके परपेंडिकुलर, ये 90 का एंगल बनाएगा उसके साथ। 90 के एंगल के लिहाज से उसके डायरेक्शंस जो मोशन होगी 90 के एंगल उसके साथ बनाएगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी डिफिनेशंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी उसने बताया हुआ है कि वेव इज अ डिस्टरबेंस इन मीडियम व्हिच कॉजेस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड इक्विलेटरल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो हम बात कर चुके हैं कि वेव क्या है। एक्चुअली इट्स अ डिस्टरबेंस इन मीडियम, जो मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं। इसमें क्या होती है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वाइब्रेटरी मोशंस करती हैं अबाउट देयर मेन पोजीशंस। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये है कि एक क्रस्ट जो है, अगर 2 मिनट में आपके आपने जब पार्टिकल को डिस्टर्ब किया है तो नेक्स्ट 2 मिनट बाद ये अगेन रिपीट करेगा उसी टाइम इंटरवल को। फिर दोबारा से जिस पॉइंट पे क्रस्ट बना था उसी पॉइंट पे दोबारा क्रस्ट बनेगा, जिस पॉइंट पे वो ट्रफ बना था उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे वो ट्रफ बनेगा। सो नेक्स्ट है आपके पास टू कैटेगरीज है टाइप्स है वेव्स की। फर्स्ट है उसकी मैकेनिकल वेव्स एंड सेकेंड टाइप्स है स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो है वो वेव्स होती हैं जिनको ऑसिलेट करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए स्टूडेंट्स मीडियम की जरूरत होती है। यानी अगर आपको इसको मूव करवाना है, आप उसको प्रोड्यूस होने के बाद इसको देखना चाहते हैं, तो आपको कोई मीडियम की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये प्रोड्यूस नहीं होंगी। इट शुड रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स है आपके पास जो, और स्ट्रिंग्स के जो वेव्स हैं ये क्या, इनको क्या चाहिए होता है, इनको मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए। लाजमी सी बात है, अगर वाटर वेव्स है तो वाटर वेव्स के लिए कोई, जब तक वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग सोर्स नहीं होगा वाटर वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। स्ट्रिंग्स के लिए भी जिस तरह वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग सोर्स नहीं होगा स्ट्रिंग्स के अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी स्टूडेंट्स। साउंड वेव्स के लिए भी मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव्स के लिए मीडियम क्या होता है, एयर होता है। साउंड वेव्स को अगर एयर की प्रेजेंस में प्रोड्यूस होती है, अगर साउंड को एयर ना हो, कोई वैक्यूम हो, 100% वैक्यूम हो स्टूडेंट्स, फिर साउंड वेव्स उसमें ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। तो साउंड वेव्स बगैर किसी मीडियम के कभी भी ट्रेवल नहीं करती। साउंड वेव्स को ट्रेवल होने के लिए स्टूडेंट्स एयर, एयर इसका मीडियम है। एयर की प्रेजेंस में ही साउंड वेव्स मूव करती है। यानी अगर 2 पर्सन आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक बंदे से दूसरे बंदे के दरमियान में 100% वैक्यूम क्रिएट कर दे स्टूडेंट्स, तो कभी भी जो दूसरा बंदा है वो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता, क्योंकि वहाँ हवा नहीं होगी, तो हवा के थ्रू उसकी साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करेंगे। साउंड वेव्स को ट्रेवल होने के लिए एयर होना जरूरी है, क्योंकि एयर साउंड वेव्स के लिए मीडियम है। फिर क्विक क्विज में एक क्वेश्चन पूछा हुआ उसने आपसे, दो मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू अ वैक्यूम दैट इज एम्प्टी स्पेस। तो आंसर इज नो, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट पास थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम इज 100% एम्प्टी। मैकेनिकल वेव्स नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशंस। विदाउट मीडियम मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट बी प्रोपगेट। सो द एग्जांपल इज साउंड वेव्स। इन केस ऑफ वैक्यूम साउंड वेव्स कैन नॉट बी प्रोपेगेट, इट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन टारगेट एरिया टू अदर टारगेट एरिया, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज नो, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट पास फ्रॉम वैक्यूम। सो वैक्यूम किस चीज को कहते हैं आप सोच रहे होंगे, जहां 100% अगर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एक इन द एब्सेंस ऑफ एयर अगर हम एक जगह बना लें जहां हवा या पार्टिकल की मौजूदगी ना हो, उस जगह को स्टूडेंट्स वैक्यूम कहा जाता है। तो उस केस में जो है अगर 100% वैक्यूम हो तो उस केस में साउंड वेव्स पास नहीं करती। फिर सेकंड टाइप से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस चीज को कहते हैं, वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि ये ऐसी टाइप्स है जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी मैं अगर कोई वाइब्रेटिंग सोर्स ना भी हो, कोई ऑसिलेटिंग सोर्स ना भी हो स्टूडेंट्स, तब भी ये जो वेव्स हैं ये पास कर जाती हैं बगैर किसी मीडियम के। जैसा कि आप रेडियो वेव्स को देख लें, अब रेडियो है, आपको किसी वाइब्रेटिंग सोर्स की भी जरूरत नहीं है, किसी ऑसिलेटिंग सोर्स की भी जरूरत नहीं है। बगैर ऑसिलेटिंग बगैर वाइब्रेटिंग सोर्स के ये जो रेडियो वेव्स हैं ये पास कर जाती हैं, आपको इसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसा कि सबसे पहले एग्जाम्पल ले लें,
जैसा कि आपके पास रेडियो है वो आप ट्यून करते हैं, तो आपको कोई मीडियम नहीं चाहिए, बल्कि वो वेव जो है आपके रेडियो तक ओसिलेट कर लेती हैं और आपके ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी जो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के थ्रू जितने भी उसके सिग्नल हैं वो आपके उस जगह तक पहुंच जाते हैं, टारगेट एरिया तक। और इसी तरीके से टीवी को आप जो है टीवी की जितने भी चैनल आप देखते हैं उन सब वो खास फ्रिक्वेंसी के थ्रू चलते हैं। तो जो आपके पास सेटेलाइट से सिग्नल आते हैं डिश एंटीना में, वो भी स्टूडेंट्स बगैर किसी मीडियम के आ रहे होते हैं, और जितने भी चैनल ऑन ईयर चल रहे होते हैं आपके टीवी पे, वो बगैर किसी मीडियम के फ्रिक्वेंसी के थ्रू ट्रैवल करते हैं बगैर किसी मीडियम के। इसी तरीके से हीट अगर आप ले लें, एक हीटर है, ठीक है, और वो जो हीट एनर्जी डिलीवर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो बगैर किसी मीडियम के वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। इसी तरीके से लाइट भी, उसको अगर आप देख लें तो बल्ब है या कोई भी ऐसी सोर्स है दूसरी जो लाइट एमिट करती है, लाइट को भी एमिट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी मूव कर जाती है। एक्सरेज भी जो आप देख लें, ये जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं मेडिकेटेड पर्पस के लिए, एक्सरे जो है वो बगैर किसी मीडियम के पास करता है, यानी आपके बॉडी पार्ट्स का फुल एक्सरे जो है वो ले लेता है बगैर किसी मीडियम के, आपके जिस्म के तमाम ऑर्गन्स को बगैर किसी मीडियम के देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं, देख लें इसमें मैकेनिकल वेव्स की, जिसको फर्स्ट टाइप्स को स्टूडेंट्स कहा जाता है। आपके पास मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स है, फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकंड वन इज ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो नाम से जाहिर है, ये आपके पास किस चीज में प्रोड्यूस होती हैं, ये जैसा कि आपने अगर स्प्रिंग्स देखे हों, स्लिंकी स्प्रिंग्स देखे हों, ये मेजॉरिटी हम व्हीकल्स ऑटोमोबाइल व्हीकल्स को जब बुलवाने जाते हैं तो उनके पास स्लिंकी स्प्रिंग्स होते हैं जिसके थ्रू वॉश करते हैं गाड़ियाँ। उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी उसकी जो शेप होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, वो स्प्रिंग में आपको इसको डेमोंस्ट्रेट कर देता हूँ। वेव्स दो तरह से प्रोड्यूस होती हैं, एक ऐसे प्रोड्यूस होती हैं, स्ट्रेट प्रोड्यूस होती हैं लाइक दैट, और एक टाइप की वेव होती है वो ऐसे प्रोड्यूस होती है परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो आपके पास डायरेक्शन है ये पैरेलल है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो स्पेसिफिक टाइप आती है आपके पास, यहाँ भी देखें स्प्रिंग है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है इस लंकी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है बिल्कुल पैरेलल, जिसका ऑसिलेटिंग सोर्स है उसके बिल्कुल पैरेलल ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। जहाँ पे हाथ एक सपोर्ट, दो एंड है स्प्रिंग के, एक फिक्स्ड है दूसरा एंड उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, अगेन यहाँ पे फ्लिपिंग करता है अपने हाथ से, जब ये हाथ से फ्लिपिंग करता है तो स्प्रिंग्स के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती हैं तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं इस फिगर के पार्ट टू में देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, अगर आप इसके फर्स्ट फोर यहाँ पे ये केस देखें इसका, तो यहाँ पे आपके पास ये देखें ये कंप्रेस हुआ हुआ है, ठीक है। आगे अगर आप देखें तो ये जो इसका हिस्सा है ये रेयरफैक्ट हुआ है। कंप्रेस का क्या मतलब है, जब इसके पार्टिकल डेंस हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं एक दूसरे के, दिस इज नोन एज कंप्रेशन। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो रेयरफैक्ट हुआ है। आर्म वेव्स के अंदर, यानी जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो मैंने ये बनाया के रखी है, उसके अंदर एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है ये वाला, यानी इसका जो पॉजिटिव पीक होती है इसी तरीके से ये क्रस्ट होता है और ये ट्रफ होता है, ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, ये क्रस्ट ट्रफ से मिलके स्टूडेंट्स ये देखें ये। और एक चीज और आपको बतानी है, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान स्टूडेंट्स, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान
हमारे पास जो डिस्टेंस पाया जाता है वो वेव लेंथ होती है, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लैम्डा इसका सिंबल है स्टूडेंट्स, लैम्डा। इस तरीके से दो कंजेक्टिव आपके पास ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है, ये आपको याद रहे, दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान एक ट्रफ होता है, और इसी तरीके से दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान एक क्रस्ट होता है। ये देखें, इस दो क्रस्ट के दरमियान ये एक ट्रफ है, इस तरीके से इन दो ट्रफ के दरमियान एक क्रस्ट है, और इसके बीच में जो इनके बीच में जो फासला होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी आपके पास वेव लेंथ कहलाएगी। इस लैम्डा को वेव लेंथ कहलाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज वेव लेंथ, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ विद इज कॉल्ड वेव लेंथ। इसी तरीके से एक वेव के अंदर अगर आप देखें, आप ये फिगर 4 देखें, तो यहाँ पे जब स्प्रिंग को फ्लिप करते हैं हम, तो दो कंजेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान, दो कंजेक्टिव कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है यहां से लेके ये मेरे पास, ये रहा कंप्रेशन, ये ऊपर भी शो हुआ हुआ है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेरे पास लैम्डा है। इसी तरीके से अगर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं, तो फिर ये जो रेयर फैक्ट है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो रेयर फैक्ट होगा उसके दरमियान जो फासला होगा वो आपके पास लैम्डा होगा। लैम्डा इज द वेव लेंथ एक्चुअली, ओके, दिस इज नोन एज वेव लेंथ। तो एक स्लिंकी स्प्रिंग जो होता है उसके अंदर एक पैरेलल डायरेक्शंस में, यानी जो आपके पास मेन पोजीशन होता है, ऑसिलेटिंग सोर्स होता है, उसके पैरेलल में वेव प्रोपगेट करती है, उसके पैरेलल में वेव प्रोड्यूस होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास लंगीट्यूडनल वेव्स कहलाती है। दिस इज नोन एज लंगीट्यूडनल वेव्स, जैसा कि आप स्लिंकी स्प्रिंग देख सकते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ वेव्स है, सेकंड स्टूडेंट, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। मैं इसको T.V से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिसमें ऑसिलेटिंग सोर्स के या वाइब्रेटिंग सोर्स के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करती वेव्स, उसको हम क्या कहते हैं, जो परपेंडिकुलर प्रोपगेशन है वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग सोर्स के, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और ये ट्रांसवर्स वेव्स लंगिट्यूडनल वेव्स दोनों ही आपके पास मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं, जिसको ऑसिलेट होने के लिए वाइब्रेटिंग या ऑसिलेट, जिसको प्रोपगेट होने के लिए ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स चाहिए होता है। बगैर वाइब्रेटिंग सोर्स के, बगैर ऑसिलेटिंग सोर्स के, ये कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती। तो आपके पास जो ये फैक्ट है कि जो आपके पास ये स्प्रिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लोज होता है, ये डेंसर होता है, तो इसके इस पार्ट को कंप्रेशन कहा जाता है, और फिर नेक्स्ट जो है ये स्प्रिंग अगेन कंप्रेस होता है, तो दो कंप्रेशन के दरमियान का जो फासला होता है वो आपके पास लैम्डा होता है। और जैसे यहाँ पे भी वेव प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान लैम्डा, दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान स्टूडेंट्स लैम्डा। इसी तरीके से मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रब कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट मुझे कुछ लिखना हो तो उसके लिए क्लियर कट में लिख सकूं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट टाइप्स है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स के। स्टूडेंट्स ये भी आपके पास एक स्प्रिंग ही है, स्लिंकी स्प्रिंग्स है। ये मैंने जो आपसे बात की थी कि आप कार वॉश करवाने जाएं या अमूमन कार की मेंटेनेंस करवाने जाते हैं, या फिर हम जब भी बाइक की ट्यूनिंग या सर्विस कराने जाते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की सर्विस, तो यहाँ पे मेजॉरिटी उनके पास इस तरह के स्लिंकी स्प्रिंग्स होते हैं। ये मेरा ऑसिलेटिंग सोर्स है, ये मेरा वाइब्रेटिंग सोर्स है। एग्जैक्ट स्टूडेंट्स इस जगह से आप देखें, ये एग्जैक्ट इस जगह से मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसके पार्टिकल्स को यहाँ से मैं अप एंड डाउन फ्लिप कर रहा हूँ, ये एरो आप देख सकते हैं। तो मेरी जो वेव है, यानी मेरी जो वेव है वो एग्जैक्ट इस ऑसिलेटिंग वेव्स के परपेंडिकुलर प्रोपगेट कर रही है स्टूडेंट्स, अप एंड डाउन फ्लिप करती है, और बिल्कुल ऐसी वेव प्रोड्यूस होती है। ये मेरा क्रस्ट है, दिस इज अ क्रस्ट C1, ये हमारे पास C2, तो मेरे पास दो C1 C2 के दरमियान का जो फासला है वो लैम्डा कहलाएगा। इस तरीके से ये मेरे पास ट्रफ है, एक दो कंजेक्टिव ट्रफ T1 T2 के दरमियान का जो फासला है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास, ये भी लैम्डा कहलाएगा। ये इसका सिंबल है, जैसे दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान का फासला लैम्डा होता है, ऐसे दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान भी
लैम्डा होता है। तो पार्टिकल मूवमेंट जो है ऑसिलेटिंग वाइब्रेटिंग फोर्स के सोर्स के जो परपेंडिकुलर होती है उसको स्टूडेंट्स हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। तो दोनों टाइप्स हैं जो कि आपके पास, किस चीज की टाइप्स हैं, ये आपके पास टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स के, जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपगेट होने के लिए, और बगैर किसी मीडियम के ये नहीं प्रोड्यूस होती। सो हम इस नतीजे पे पहुंचे स्टूडेंट्स के बगैर किसी मीडियम के, बगैर किसी ऑसिलेटिंग वाइब्रेटिंग सोर्स के कभी भी वेव जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती मैकेनिकल वेव, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, बगैर किसी प्रोपगेशन के स्टूडेंट्स ये मूव कर लेती हैं। ओके, नेक्स्ट इसका था वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी था स्टूडेंट्स, ये इसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वेव जो है वो एक कैरियर ऑफ एनर्जी है। मैंने एक टब में कार की एग्जांपल दी थी कि अगर उसको टब के मिसाल के पानी की मिसाल ना ली जाए और एक समंदर के पानी की मिसाल ली जाए, ज्यादा खुले पानी की, और उस कार को रख दिया जाए स्टूडेंट्स और लार्ज पैमाने पे अगर वेव्स प्रोड्यूस किए जाए पानी की तरफ, तो आप एक कार कई किलोमीटर के डिस्टेंस तक मूव करेगा, क्योंकि वेव जो है वह एज अ सोर्स होती है, एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। दूसरा देखें, जब हमने, आपने सोचा होगा कि जब हमने ये स्ट्रिंग्स को, हम स्टूडेंट्स जो स्ट्रिंग है यानी इसका एक एंड जो है फिक्स होता है और इसी स्ट्रिच स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है जो आप हाथ में पकड़ते हैं इनिशियली बिल्कुल ऐसे सीधा होता है एक एंड, और जब हम इसको यहाँ से इसका सेकंड एंड जो है यहाँ से हाथ से पकड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसमें कौन सी एनर्जी डिलीवर करते हैं, हम अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है वो एक स्ट्रिंग के अंदर डिलीवर करते हैं। तो जब अपनी मस्कुलर एनर्जी हम डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स, मस्कुलर एनर्जी डिलीवर होने के बाद ये स्ट्रिंग उस मस्कुलर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में एक्सचेंज कर लेता है, क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो दिस एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्टेड और मस्कुलर एनर्जी इज गोइंग टू काइनेटिक एनर्जी, और ये स्ट्रिंग जो है ये उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हुए वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, और अगर इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ये ऑसिलेट कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि ये उस ऑब्जेक्ट को उस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले कर जाएगा। सो एनर्जी जो है दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी तो ट्रांसफर होती है, यानी जो हमने मस्कुलर एनर्जी दी थी अपने हाथों से इस स्ट्रिंग को, वो स्ट्रिंग के अंदर वो एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में डिलीवर हुई, और पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्ट्रिंग आप क्या करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है, ये पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वहां दे देगा, एक्सचेंज कर देगा उसमें, और मीडियम टू मीडियम ट्रांसफर होती चले जाएगी, और इस तरीके से वेव जो है एक सोर्स बन जाएगी कैरियर्स ऑफ एनर्जी की, क्योंकि बगैर किसी ऑसिलेटिंग सोर्स या वाइब्रेटिंग सोर्स के तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होनी, और अगर किसी ऑब्जेक्ट ने ऑसिलेट करवाना है या वाइब्रेट करवाना है तो स्टूडेंट्स कन्फर्म सी बात है जब वाइब्रेशन होगी या ऑसिलेटिंग होगी तो वहाँ कोई एनर्जी ही उसको ऑसिलेट करवाएगी, तो वो एनर्जी उस मीडियम के अंदर किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि वेव मोशन वाटर के अंदर देखे कि वो कार कैसे डिस्प्लेस कर रहा है अप एंड डाउन, क्योंकि हमने पेंसिल्स के थ्रू मस्कुलर एनर्जी डिलीवर की, तो पेंसिल में मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक में डिलीवर हुई, उस पेंसिल की काइनेटिक एनर्जी ने वेव के अंदर अप एंड डाउन टू एंड फ्रो फ्लिपिंग स्टार्ट कर दी। तो जब वो वेव जो है अब उसके अंदर एनर्जी आ चुकी है काइनेटिक एनर्जी, वेव अपनी काइनेटिक एनर्जी कार के अंदर एक्सचेंज कर देगी और कार जो है उसी काइनेटिक एनर्जी से ऑसिलेट करेगा। स्ट्रिंग के पार्टिकल भी इसी तरीके से हमारे मस्कुलर एनर्जी से स्ट्रिंग के रोप के अंदर ट्रांसफर हुए, और स्ट्रिंग्स के जितने भी पार्टिकल है उस काइनेटिक एनर्जी का फायदा उठाते हुए वो भी टू एंड फ्रो फ्लिप करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। तो आपके पास जो एनर्जी होती है वो एक ट्रेन फॉर्म में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है। जैसा कि मैं एक रोप ले लूँ तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये एक ट्रेन की फॉर्म में पार्टिकल है। एक पार्टिकल अपने से नेक्स्ट पार्टिकल में एनर्जी एक्सचेंज करता है, अगला उससे नेक्स्ट पार्टिकल में, अगला उससे नेक्स्ट पार्टिकल में,
चेन ऑफ पार्टिकल्स बनते चले जाते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती चले जाती है, एनर्जी एक्सचेंज होती चले जाती है, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इस तरीके से वेव चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, आखिर और एंड पॉइंट जो होता है जहाँ सपोर्ट के साथ हमने स्ट्रेंथ को फिक्स किया हुआ है, ये वहां तक ये वेव जो है वो कंटिन्यूसली मूव करेगी, क्योंकि जो प्राइमरी वेव होती है वो सेकेंडरी वेव को एनर्जी ट्रांसफर कर देती है, दैट्स व्हाई नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेट होती है। और स्टूडेंट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है कैरी करती है वेव में, वो डिपेंड करती है कि इसमें डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, यानी मेरे पास अगर ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है, अगर मैं इसके मुकाबले में एक बड़ी लंबी रस्सी ले लूं, ये मैंने बहुत बड़ी ले ली है और पोजीशन जो है ये मेरे पास ये पोजीशन है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत छोटी है, यहाँ तो ये वेव बिल्कुल एंड पॉइंट तक मूव कर लेगी, लेकिन मैं इसको अगर जर्क देता हूँ या फ्लिप करता हूँ तो हो सकता है ये वेव यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन स्टूडेंट्स आगे आते आते इसके जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा और हो सकता है इधर आके वेव जो है ये खत्म हो जाए, यहाँ वे बिल्कुल एंड हो जाए। तो ये यही कह रहा है कि जो वाइब्रेटिंग सोर्स होता है, जो ऑसिलेटिंग सोर्स होता है, उससे जितना डिस्टेंस होता है वेव का उस पर डिपेंड करता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इंटेंसिटी होती है, जहाँ उसका सेंटर होता है, जहाँ हम उसको ऑसिलेट करवाते हैं, जहाँ उसको हम वाइब्रेट करवाते हैं, वहां वेव की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, स्ट्रांग होती है, जहाँ फासला फिर इंक्रीज होता जाए वहां वेव जो है वो डिक्रीज कर जाती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि एक अगर एड्रेस कर रहा है बंदा ओपन पब्लिक में, तो जो लोग दूर बैठे होते हैं स्टूडेंट्स उनको बहुत कम आवाज सुनाई देती है, जो वेव साउंड वेव करीब बैठे होते हैं उनको वो जो है वो बहुत क्लियर सुनाई देती है वो साउंड जो है, क्योंकि वो ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स के जो है वो करीब बैठे होते हैं, और जितना फासला आपके वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग सोर्स से जहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रहे थे करीब होगा, उतनी वेव की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। सो इसी तरीके से आपके पास जो एनर्जी होती है वेव के अंदर वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड मैंने लास्ट टाइम भी ये रहा आपका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आपको लेक्चर दिया था। ये देखें, ये आपके पास एक वेव है, ये आपके पास एक वेव है। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये लेट सपोज इसका मेन पोजीशन है, तो मेन पोजीशन से ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है अपने मेन पोजीशन से, यानी कितना पीक पे जाएगा, कितना मैक्सिमम क्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, कितना पीक पे जाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। इस तरीके से जितना मैक्सिमम ट्रफ प्रोड्यूस करेगा ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि वेव जो है एक तो अपने ऑसिलेटिंग सोर्स या वाइब्रेटिंग सोर्स से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, दूसरा स्टूडेंट्स ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे डिपेंड करती है, यानी कि हम अगर शेक करते हैं स्ट्रिंग को फास्टर, फास्टर शेकिंग देते हैं, यानी ये अगर रस्सी है मैं इसको अप एंड डाउन शेक करता हूँ, इतना ऊपर लेके जाता हूँ और इतना नीचे लेकर आता हूँ, ज्यादा टाइम्स के लिए शेक करता हूँ अप एंड डाउन, इस तरह ज्यादा शेक करता हूँ मैं इसको स्टूडेंट्स, तो क्या होगा मैक्सिमम जो है मस्कुलर एनर्जी डिलीवर होगी और मैक्सिमम मस्कुलर एनर्जी स्ट्रिंग के अंदर के पार्टिकल को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज होगी, जब एक्सचेंज होगी तो चेन जो चलेगी वो पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल, पार्टिकल से नेक्स्ट, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी भी डिलीवर होगी, तो लाजमी सी बात है पार्टिकल मैक्सिमम टाइम ऑसिलेट करेंगे और वेव जो है ज्यादा लार्ज डिस्टेंस तक मूव करेगी। ओके, उसकी फ्रिक्वेंसी भी फिर ज्यादा होगी, जाहिर है एक वेव जो है जितने कम टाइम में ज्यादा ऑसिलेट करेगी इट मीन्स कि उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, दिस दिस विल बी अ फ्रिक्वेंसी। सो फ्रिक्वेंसी आपको पता क्या है, लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं, ये आपके पास फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नॉन एज फ्रिक्वेंसी। नहीं, एक वेव अगर यहाँ से शुरू हुई है तो ये वेव कंप्लीटली जब यहाँ पे वापस आएगी स्टूडेंट्स, दो क्रस्ट से मिलके एक वेव बनती है, दो ट्रफ से मिलके एक वेव बनती है, यानी आपके पास ये क्रस्ट ये अब कम्प्लीटली यहाँ पे आएगी तो एक वेव का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो लाजमी सी बात है जब मैं इसको शेक करूंगा, स्ट्रिंग को फास्टर शेकिंग दूंगा, तो ये स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्रस्ट जो है और कम से कम टाइम पीरियड में मैक्सिमम ट्रफ प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम क्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेच स्ट्रिंग दिस वन,
यानी जहां मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, जो मेरा पोजीशन है, इस पोजीशन की बात हो रही है, इसके से फासला जितना दूर होगा उतनी वेव की इंटेंसिटी वीक होगी, जितना फासला नजदीक होगा उतनी वेव की इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी। सेकंड, इसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर है हमारे पास। तो वाटर वेव भी स्टूडेंट्स एनर्जी कैरी करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जिसकी एग्जाम्पल 10.3 एक्टिविटी में आप देख सकते हैं। हमने एक स्टोन को लिया हुआ है स्टूडेंट्स, हाथ में एक स्टोन लेते हैं और फिर हमने पानी में कार्क डाल दिया है जो कि वुडन पीस का बना हुआ है। जाहिर है कार्क ही लेंगे हम, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, फ्लोट करता है पानी के ऊपर। और हम एक बड़े 10 kg या 20 kg का कार्क जो है स्टूडेंट्स वो सॉरी स्टोन जो है, कार्क तो हमने वुडन पीस का लिया हुआ है, हम एक स्टोन ले लेते हैं और हाथ में स्टोन लेके हम पानी के अंदर उसको फेंक देते हैं दूर खड़े होके। आप देखोगे कि वो वेव जो है उस स्टोन के डिप होने के बाद वेव पानी में प्रोड्यूस होंगी, एंड देन उस वेव के प्रोडक्शंस के बाद आप देखोगे कार्क जो है वो एक कई मीटर के डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से। इसे बात प्रूफ होती है कि जैसे ही वो वेव जो है वो कार्क तक पहुंचेगी, कार्क फर्स्ट ऑफ ऑल तो मूव करेगा अप एंड डाउन मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स के साथ। उसके बाद वो क्या करेगा, इसको वेव से कुछ एनर्जी मिलेगी, जब एनर्जी मिलेगी उसको वेव से स्टूडेंट, तो डिस्प्लेस हो जाएगा और लार्ज डिस्टेंस तक, ये रेड एरो देख सकते हैं, लार्ज डिस्टेंस तक वो क्या करेगा, मूव करेगा। जिससे बात साबित होती है कि वाटर्स के अंदर भी स्टूडेंट्स एक स्ट्रॉन्ग टाइप्स ऑफ वेव प्रोड्यूस होती है जो के ऑब्जेक्ट्स को कैरी करती हैं, ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस करती हैं एक जगह से दूसरी जगह स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास रिलेशन है स्टूडेंट्स वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। चूंकि वेलोसिटी आपको पता है कि डिस्टेंस पे टाइम के बराबर होती है, ये आपके पास फॉर्मूला है वेलोसिटी का, दिस वन, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वेलोसिटी इज नोन एज डिस्टेंस बाय टाइम। अब वेव के केस में डिस्टेंस क्या होगा, देखें मेरे पास जो ये जो आपके पास ये आपके पास जो वेव होती है स्टूडेंट्स, लुक एट दैट, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इस केस में दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान का फासला जो डिस्टेंस है वो उसकी वेव लेंथ है, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान का जो फासला है उसको भी हम स्टूडेंट्स वेव लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। दो कंजेक्टिव ट्रफ, ये दो कंजेक्टिव ट्रफ है हमारे पास है और ये दो कंजेक्टिव क्रस्ट है हमारे पास, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस है क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ। और यहाँ पे हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी हमारे पास बराबर होती है किस चीज के, 1/T के जी। आपके पास फ्रिक्वेंसी बराबर होती है 1/T, यानी रिसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो है वो आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है। ओके, जो आपके पास फ्रिक्वेंसी कब ज्यादा होती है, जब टाइम पीरियड कम होता है। जब टाइम पीरियड कम होता है तो फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जब टाइम पीरियड ज्यादा होता है तो फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती है, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। स्टूडेंट्स, अब जो डिस्टेंस है जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, 10th में डिस्टेंस जो है वेव लेंथ है क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान। सो मैं डी को रिप्लेस कर देता हूँ लैम्डा से, और यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा λ/T। अगर यानी मैं यहाँ पे सिर्फ डी की जगह पे उसकी वेव की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास यहाँ लैम्डा बन जाएगा, λ/T स्टूडेंट्स। यस, सो यहाँ पे आपके पास जो टी है वो 1/F के बराबर है। यानी अगर मैं इसी इक्वेशन को यू लिख लूं, लैम्डा मल्टीप्लाई, यानी हम इसको 1/T जो है ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम यू लिख सकते हैं, यानी 1/T। देखे मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, लैम्डा मल्टीप्लाई 1/T। ओके, जब हम इसको लैम्डा 1/T लिख सकते हैं, तो 1/T हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का,
हमारे पास जो एफ है वो 1/T के बराबर होगा, और हम उसी फॉर्मूला को पुट कर उसी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो सिचुएशन है ये एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगी। After putting all these values, 20 is equal to f lambda proof हो जाएगा, जो कि आपके पास true है equation 10.5 both longitudinal and transverse waves। हमारा next topic होगा repulsing students, आपने इस पे work करना है और इस video को deeply आपने देखना है और इसके deeply concept study करने हैं। Monday को इंशाल्लाह मैं repulsing को आपको lecture दूंगा। तमाम students जिन्होंने पुरानी assignment जमा नहीं कराई वो पुरानी assignment जमा कराएं। Thanks।